सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हाँ, ये बात कहते कहते अब बड़ा जैसे रिपीटिशन सा लगता है, हर महीने मुझे जान से मारने की धमकी का एक नया काम शुरू हो गया है, तो वो बार बार बताने और कहने में भी अजीब सा लगता है। और कोई भी कहता है जिंदा जला देंगे, मिट्टी का तेल डाल के जला देंगे, कोई कहता है तुम्हारे घर में घुस के मार देंगे, और फिर अभी ये गोली से जान से मार देने की धमकी मिली है मुझे। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, किसी से जमीन का झगड़ा नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के मामले उठाता हूँ, सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता हूँ, उनके जुर्म और अत्याचार और उनकी नफरत की राजनीति पे सवाल उठाता हूँ, वो काम मैं बिल्कुल बंद करने वाला नहीं हूँ। ये बात मैं आदित्यनाथ जी को भी, मोदी जी को भी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और जिसको जिसको भी मेरे भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ बोलने से प्रॉब्लम हो, उनको मैं बिल्कुल साफ गोई से सूचना देना चाहता हूँ, मैं अपना काम बिल्कुल नहीं बंद करूँगा। तुम्हें जो करना है करो, गोली चलवाना है, हत्या करवाना है, रोज यही सब काम कर ही रहे हो तुम लोग, तो जो करवाना है करो, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जो मुझे करना है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जुर्म के खिलाफ लड़ाई का काम, वो हम करते रहेंगे, उससे हम रुकने वाले नहीं है। कल जो और पहले भी जितने भी मामले हुए उसमें मैंने FIR दर्ज कराई है, उसकी सूचना सभापति महोदय को भी दी है राज्यसभा के, और कल भी मैंने एक FIR लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई है, तो उसमें 504 और 507 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई क्या करेंगे ये उन लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा, उनको जो करना है वो करने दीजिए। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में वंचित समाज, शोषित समाज, समाज के गरीब तबके के खिलाफ दरिंदगी, हैवानियत, गुंडागर्दी की खुली छूट मिली हुई है, और एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिसके गवाह आप लोग भी हैं और पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा देश है। लेकिन जो प्रयागराज की घटना हुई 24 तारीख को, वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आजादी के 75 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है, तो समाज के जिस अंतिम आदमी को हमारे देश का संविधान पूरे अधिकार के साथ जीने का हक देता है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहसीपन, जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं कल गया था प्रयागराज उस परिवार से मिलने के लिए। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, पूरे परिवार को साफ कर दिया गया। पिता की हत्या हो गई, मां की हत्या हो गई, बेटा जो बोल नहीं पाता था, मूक था, बधिर था, उसकी हत्या हो गई, दिव्यांग था, और बेटी जो नाबालिग थी उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। मैं उनके परिवार से मिला, उनके भाई कृष्णचंद भारतीय जी फौज में काम करते हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी पत्नी कह रही थी कि मुझे भी खतरा है क्योंकि पति यहां रहते नहीं, मेरे साथ भी कल को कोई घटना हो सकती है। और यह पूरी घटना आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन, पुलिस वालों की लापरवाही और गुंडों और अपराधियों के प्रशासन के साथ
मिली भगत के कारण यह पूरी घटना हुई है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसी परिवार के साथ 2019 में मारपीट की घटना होती है, FIR दर्ज होती है बड़ी मुश्किल से, 2 साल हो गए आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई अपराधियों के खिलाफ, 2 साल हो गए। 2020 में फिर इसी परिवार के साथ मारपीट होती है और बहुत ही गरीब सामान्य परिवार के लोग मजदूरी करते हैं, 2020 में फिर मारपीट होती है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2021 में सितंबर के महीने में इसी परिवार के साथ फिर मारपीट होती है और हफ्ते भर लगातार परिवार गिड़गिड़ाता है, रोता है, हमारे मामले में कार्रवाई कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। और मीडिया के प्रयास से, स्थानीय लोगों के प्रयास से जब दबाव बना तब उसमें FIR होती है सितंबर के महीने में, और तब से लेके 24 नवंबर तक लगातार वो लोग न्याय की गुहार करते रहे, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले उनके साथ मिलकर अपराध कराने में बढ़ावा देते हैं और फिर 24 नवंबर के दिन ये बीभत्स कांड हुआ जहां पर एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप होता है, एक दिव्यांग का गला घोट के मार दिया जाता है और उसके माँ बाप को हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। यह हाथरस कांड से भी ज्यादा भयानक, भयावह और बीभत्स कांड है। लेकिन आपको जानकर अफसोस भी होगा, दुख भी होगा कि कितनी संवेदनहीन सरकार है हमारी कि अब तक आदित्यनाथ जी ने परिवार से बात नहीं की, उनके भाई फौजी से बात नहीं की अब तक। वहां सरकार का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी अब तक नहीं गया, सरकार का कोई बड़ा अधिकारी भी जाके भरोसा दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी एकमात्र वजह है, एकमात्र वजह, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार जातीय विद्वेष की भावना से काम कर रही है। जातियां देखकर वहां न्याय दिया जाता है, किस जाति को हो उसके हिसाब से तुमको थाने से न्याय मिलेगा, पुलिस से न्याय मिलेगा, प्रशासन से न्याय मिलेगा। अगर उनको सूट करता है तो न्याय मिलेगा, सूट नहीं करता है तो न्याय नहीं मिलेगा। हमें याद है जयप्रकाश पाल की पूरे प्रशासन के सामने हत्या कर दी गई बलिया में। हमें याद है संजीत यादव का अपहरण करने के बाद पुलिस वाले फिरौती दिलाते हैं उसी परिवार से 30 लाख रुपए और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस का कांड हम भूले नहीं है, प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर नहीं भूले, इंद्रकांत त्रिपाठी का किस तरीके से SSP हत्या करवा देता है, रंगदारी मांगता है, वो नहीं भूले हम नहीं भूले। मनीष गुप्ता को किस तरीके से पुलिस ने पीट पीट के मार दिया, अरुण वाल्मीकि को पीट के थाने में मार दिया, जितेंद्र श्रीवास्तव को पीट के मार दिया, अनेकों घटनाएं। और ये जो कांड हुआ है इसमें परिवार 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से लगातार न्याय की गुहार कर रहा था, प्रशासन ने सुनवाई नहीं की और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। मैं इस मामले में मांग करता हूं आदित्यनाथ जी से कि कृपा करके खुद और अपनी सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाइए, जागिए और जानिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जागिए आदित्यनाथ जी, खाली भाषण देने से और नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता, खाली बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जागिए अमित शाह जी, आप तो कह रहे थे रात में 12 बजे भी कोई 16 साल की लड़की गहने पहन के घूम सकती है, यह घटना किस ओर इशारा कर रही है? मथुरा में दरोगा की परीक्षा देके एक बेटी अपने घर जा रही थी, उसके साथ गैंगरेप हो गया दिन दहाड़े, और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वहां बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर जरा सा भी आपके अंदर शर्म है, आपकी सरकार में जरा सा भी शर्म है, तो इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई करिए और 6 महीने में उन दुर्दांत अपराधियों को
फांसी की सजा दी जाए, आम आदमी पार्टी ऐसी मांग करती है। और इस मांग को लेकर कल पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन, महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को उत्तर प्रदेश में सौंपेगी। हर जिले में कल उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये प्रदर्शन होगा। और मैंने इस पूरे प्रकरण को लेके महामहिम राष्ट्रपति जी से समय भी मांगा है और उनसे अपील की है कि वो इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें। उत्तर प्रदेश में आज जातियां देख के न्याय दिया जा रहा है, कानून और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की गला घोट के हत्या की जा रही है। और ये घटना जिसमें 3 साल से एक परिवार न्याय की मांग कर रहा था, ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांगा है, जैसे ही वो हमें समय देंगे, मैंने मुलाकात की है उस परिवार से और जाकर पूरी घटना के बारे में देश के राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने का काम करूंगा। सर, 3 साल से इनको परेशान कर रहे थे, क्या वजह थी 3 साल से इनको मारा जा रहा था? गरीब लोग हैं और वो सब दबंग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं। कभी भी मारना, कभी भी पीटना, कभी मोबाइल चोरी में पकड़े जाना, वो पूरा एक छोटा मोटा गैंग ऑपरेट करते हैं। स्थानीय लोकल पुलिस के साथ उनका तालमेल है। 11 लोगों के खिलाफ ये FIR हुई है, अभी उसमें से कई अभियुक्त पकड़े नहीं गए हैं, ये FIR की कॉपी है, जिसमें 376D यानी कि गैंग रेप का भी मुकदमा दर्ज हुआ है इन लोगों के खिलाफ। वो नाबालिग बच्ची जिसके साथ गैंगरेप किया गया, उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये 11 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कुछ लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं अभियुक्त। अभी मैं इसमें मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के अंदर सुनवाई करके ऐसी दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।